रविवार 24 नवंबर को दिल्ली में एलजीबीटी कम्युनिटी ने प्राइड मार्च का आयोजन किया। एलजीबीटी कम्युनिटी यानी कि समलैंगिक लोग, ये प्राइड मार्च समलैंगिकों ने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करने के लिए निकाला, लेकिन ये बस एक वामपंथी प्रोपेगेंडा और एजेंडा बनकर रह गया। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वामपंथी प्रोपेगेंडा और एजेंडा बन के रह गया, ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे पूरा एक घटनाक्रम है। अगर आपने इस प्राइड मार्च में लगते नारों और लहराए जाते तख्ती बैनरों को देखा होता तो आप भी समझ जाते कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। बाराखंबा रोड से लेकर जंतर मंतर तक निकाले गए इस मार्च में आज़ादी के नारे लगे। अब अगर आपको लग रहा है कि लोग प्यार करने की आज़ादी मांग रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये आज़ादी के नारे JNU वाले नारे थे। कश्मीर मांगे आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, संघवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। अब कश्मीर की आज़ादी से समलैंगिकों के अधिकारों का क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानता। इस तथाकथित प्राइड मार्च में पीएम मोदी के बारे में भी अपशब्दों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। भारत माता वांट्स गर्लफ्रेंड, रेनबो ओवर, सैफ्रन जैसे बैनर लहराए गए। बात सिर्फ इस बार की नहीं है, साल 2018 में भी ऐसी प्राइड मार्च का आयोजन किया गया था और उस प्राइड मार्च में भी हिंदू विरोधी नारे पोस्टर भी लहराए गए। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का नाश हो, मंदिर राज नहीं चलेगा, ये लव जिहाद क्या है, इस्लामोफोबिया है, जैसे लिखे बैनर भी लहराए गए। मंदिर राज नहीं चलेगा, होगी प्यार की जीत, ऐसे नारों को लगाकर इशारा अयोध्या की तरफ था। इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामोफोबिया का कर नकारना लिबरल गैंग का जाना माना एजेंडा है। कश्मीर की आज़ादी की ख्वाहिश वामपंथी गैंग को कितनी बेसब्री से है, ये किसी से छुपा नहीं है और इसे प्राइड मार्च का नाम दिया जाता है। ये प्राइड मार्च तो कतई नहीं था, बल्कि ये हिंदू विरोधी और देश विरोधी मार्च जरूर था। ऐसा लग रहा था जैसे JNU और वामपंथी गैंग ने इस तथाकथित प्राइड मार्च को हाईजैक कर लिया हो और अपने एजेंडे के लिए इसे इस्तेमाल किया हो। LGBT समुदाय चाहता है कि लोग उन्हें अलग ना माने, उन्हें अपनाएं, वो भी इंसान हैं, बस उनकी पसंद औरों से थोड़ी अलग है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से लोग उन्हें अपनाएंगे तो वो ये गलत सोच रहे हैं। ऐसी हरकतों के कारण ही LGBT कम्युनिटी खुद को लोगों से दूर कर रहा है, खुद को देश विरोधी और हिंदू विरोधी साबित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को धारा 377 को समाप्त कर दिया। इसे ऐतिहासिक फैसला बताया गया और बताया गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। कोर्ट ने धारा 377 को अतार्किक और मनमानी बताते हुए कहा कि LGBT समुदाय को भी समान अधिकार है। कोर्ट का कहना था कि यौन प्राथमिकता बायोलॉजिकल और प्राकृतिक है, अंतरंगता और निजता किसी की निजी च्वाइस है, इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। किसी भी तरह का भेदभाव मौलिक अधिकारों का हनन है। देश ने समलैंगिकों को स्वीकार किया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उनके अधिकारों का सम्मान किया है, लेकिन इसके बावजूद देश विरोधी नारे, इसके बावजूद एक खास कम्युनिटी और धर्म के खिलाफ इस तरह नफरत का इजहार समझ से परे है। ऐसा लगता है कि LGBT कम्युनिटी के भविष्य की तरह इनकी बुद्धि भी सोच और अंधकारमय हो चुकी है, जो इस तरीके की गंदी और भद्दी बातें किए जा रहे हैं। धन्यवाद, मेरा नाम है सौरभ और कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं ललित कुमार।